हेलो दोस्तों। सो आज बात करेंगे हम बैंकर्स की 5 डे बैंकिंग की, और जो 11 BPS से अदर पेंडिंग इशू थे वो अभी तक रिसॉल्व नहीं हुए, उनके बारे में, उनका क्या प्रोसेस हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। 1 तारीख को UFPU एंड IBA की मीटिंग थी रिगार्डिंग पेंडिंग इशू, तो उसका क्या आउटकम आया इसके में डिस्कस करेंगे। 11 BPS जब साइन किया गया था, या जॉइंट नोट जो साइन किया गया था, उसमें वेज डिवीजन तो हो गया था, बट यूनियन एंड IBA के बीच में एक सहमति बनी थी कि जो अदर इशू हैं वो बाद में डिस्कस किए जाएंगे, बट आफ्टर 1 or 2 year कोई भी इशू, ना कोई रेसिडेंशियल इशू और अदर 5 डे बैंकिंग पेंशन रिसन कोई भी डिस्कस नहीं किया जा रहा था IBA के द्वारा। तो UFPU ने कॉल लिया था स्ट्राइक का 27 जून को, बट 23 जून को मतलब CLC मीटिंग हुई थी यूनियन की, तो IBA एग्री हुआ था कि हाँ वो 1 तारीख को डिस्कस करेगा जो भी पेंडिंग इशू है के बारे में बात करेगा। तो यूनियन ने स्ट्राइक कैंसिल कर दी थी, तो हम होप कर रहे थे कुछ आउटकम आएगा हमारे लिए। सो देखते हैं कि क्या आउटकम आया। 5 डे बैंकिंग तो अभी तक नहीं हुई है। एक फेक न्यूज़ भी रिलीज हुई थी जिसमें बताया गया था कि फर्स्ट सैटरडे को छोड़ के बाकी सारे सैटरडे ऑफ रहेंगे। अब ये फेक न्यूज है या जो भी है, लेकिन फिलहाल तो IBA के UFPU के सर्कुलर के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। सो सर्कुलर में देखते हैं कि क्या मतलब हुआ, यहाँ पे कुछ आउटकम निकला या फिर नॉर्मल इसी तरह की मीटिंग चलती रहेंगी और बैंकर्स को लगता है 5 डे मिल ही नहीं पाएगा। सो इसमें जो बात रखी है यूनियन ने कि सैटरडे 5 डे वीक के लिए, तो इसमें अब क्या है कि 5 डे वीक होगा तो जो अदर डे हैं उसमें ट्रांजेक्शन वगैरह मतलब कैश ट्रांजेक्शन का टाइम एंड बैंकिंग ओवर बढ़ाए जाएंगे थोड़ा थोड़ा, 1 ओवर या फिर जो भी फिक्स किया जाएगा उसी के लिए लिखा हुआ है कि इसके लिए डिटेल आप जस्टिफिकेशन चाहिए जिससे बैंकिंग ओवर में कस्टमर को प्रॉब्लम भी ना हो। तो उसके लिए फिर लिखा है कि अगली मीटिंग में बात करेंगे एंड वो हायर अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट से बात करेंगे। तो ये भी एक पेंडिंग ही हो गया, मतलब अब अगली मीटिंग का इंतजार करें। एंड अगर बात करें पेंशन अपडेशन की, तो पेंशन अपडेशन इशू कब से चल रहा है, अभी तक पुराने जो 1986 से रिटायर हुए उनकी पेंशन अपडेशन नहीं हुई है। तो बस यही IBA ने लिखा है कि उसके लिए हर एक बैंक को प्रोविजन करना पड़ेगा, गैस के लिए डिस्कशन वगैरह हर एक चीज़ के लिए। तो ये भी इसके लिए लिख दिया है डिस्कशन ऑन दिस इशू विल बी फर्दर कंटिन्यू, आगे की जो मीटिंग होगी इसमें और डिस्कशन किया जाएगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ पेंशन स्कीम, इसमें यह है कि जो पेंशन है IBA ने वो UFPU ने के अकॉर्डिंग जो पेंशन है वो 20 साल सर्विस करने के बाद आपको 50% पेंशन देना चाहिए, तो इसके लिए लिखा हुआ है। तो इसमें भी गवर्नमेंट ने IBA ने बोला कि वो गवर्नमेंट से बात कर रही है फॉर अप्रूवल के लिए। एंड जो अदर बहुत सारे इशू हैं जो हर बार सर्कुलर में आते हैं, वो सर्कुलर में ही बने रहते हैं जिनका कभी पॉजिटिव रिजल्ट निकल ही नहीं पाता है। जैसे एक चेंज इन DA स्कीम, जो हमारा DA इंक्रीज होता है 90-60 बेस ईयर मान के हमको कन्वर्ट करके दिया जाता है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में 2016 बेस ईयर से निकाला जाता है। उसके लिए भी बात हो रही है कि उसको भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है वैसा ही किया जाना चाहिए। क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं और बैंकिंग एम्प्लॉय को हर एक चीज़ के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो रही है उसके लिए स्ट्राइक ही कॉल करनी पड़ती है। एंड अदर इशू जैसे एलोकेशन ऑफ स्टाफ वेलफेयर फंड, UFPU डिमांड कर रहा है कि जो भी अलाउंस दिए जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट से दिए जाने चाहिए, ना कि नेट प्रॉफिट से। तो ये भी इसको भी गवर्नमेंट के पास IBA लेके गया है, फर्दर डिस्कस करेगा, पता नहीं कब तक डिस्कस करेगा, कब तक मिलेगा, कब क्या होगा कुछ पता नहीं। इसी तरह से एम्प्लॉय की डिसेबिलिटी के लिए, अब तो डिसेबिलिटी जो डिसेबिलिटी रहती है एम्प्लॉय में, उनके लिए जो अलाउंस है उसको 400 से 600 के लिए अप्रूवल चाहिए, वो भी अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसी तरह से स्पेशल अलाउंस के लिए भी नॉर्थ ईस्ट में जो एम्प्लॉय है उनके लिए अलग से अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो यहाँ पे अभी अप्रूवल ही लेना है। पता नहीं, बैंक एम्प्लॉय के लिए हर बार हर चीज़ के लिए अप्रूवल ही लेना होता है। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए भी फिटमेंट फैक्टर की बात हुई है। मेन जो इशू थे वो 5 डे बैंकिंग एंड पेंशन अपडेशन है, और जो कि इशू हर एक मीटिंग हर एक सर्कुलर में बढ़ते जा रहे हैं। एंड जो ड्यू है 12th बाईपास सेटलमेंट, वो भी 1 नवंबर से हो जाएगा,
पता नहीं ये पुराने इशू ही डिस्कस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और आप देख सकते हो इसमें इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, अब जो पेंशनर हैं उनका जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो भी एम्प्लॉय को ही पे करना पड़ता है रिटायरमेंट के बाद। इसके लिए लिखा है कि कुछ GST में या फिर जो भी एक पॉलिसी बनना चाहिए कि बैंक ही उनका पेंशन मतलब इंश्योरेंस कराएं। एंड एग्जेंप्शन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जो भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है कि जो 14% NPS गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है वो टैक्स में नहीं आता, लेकिन अभी बैंकिंग में क्या है कि 14% तो कंट्रीब्यूट करने ही लगी है बैंक, बट 4% जो है उसका टैक्स हमारे हमको ही देना पड़ता है। तो ये भी एक नुकसान ही है, इसके लिए IVA फर्दर डिस्कस करेगी, पता नहीं कब तक डिस्कस करेगी। ये सारे पेंडिंग इश्यू हैं जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है एक तारीख को। हम होप कर रहे थे बैंकर्स के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बट कोई रिजल्ट नहीं आया। हमें नेक्स्ट मीटिंग का वेट करना पड़ेगा कि क्या कैसा होता है। आई होप सो कि 5-day बैंकिंग एंड पेंशन अपडेशन जो बहुत टाइम से पेंडिंग इशू है इन्हें तो रिसॉल्व कर देना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।